जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News TV और मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। जिले में दो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण, विवाह का झांसा देकर घर से भगाया गया, खेत में पानी की मोटर हुई चोरी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में दो नाबालिगों का हुआ यौन शोषण। अमरावती में जिले के ग्रामीण भाग में दो अलग अलग घटनाओं में दो नाबालिग लड़कियों से बलात्कार करने की घटना सामने आई है, जिसमें परतवाड़ा के पांडेरी ग्राम में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ और 19 वर्षीय युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उसके अचलपुर उपजिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच से यह बात सामने आई कि चार नाबालिग लड़की ने बयान में बताया कि आरोपी उसके साथ पति पत्नी जैसा रहता था, जैसे दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। परतवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसी तरह मोर्शी तहसील के खेड़े ग्राम में एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 21 वर्षीय आरोपी ने बलात्कार किया। लड़की के घर को दरवाजा ना होने से उसके माता पिता उसे पड़ोस में रहने वाले थोरते के घर पर भेजा करते थे, जिसके साथ उसने बलात्कार किया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विवाह का झांसा देकर घर से भगाया गया। धारणी में केसरपुरा ग्राम में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को विवाह का झांसा देकर एक आरोपी घर से भगा ले गया। घटना 19 सितंबर की दोपहर 4 बजे हुई। 20 सितंबर को शाम 7:55 पर धारणी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। खेत में पानी की मोटर हुई चोरी। मरुता चलाव में यहां अनिल डोमने के खेत से अज्ञात आरोपों ने पानी की मोटर चुरा ली। यह घटना 12 सितंबर की दोपहर 2 बजे हुई। 20 सितंबर की रात 3:26 पर मुरलेला चवाल पुलिस स्टेशन में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त शायद दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार।